श्री राम सीता विवाह आज के दिन हुआ था, आज अगहन की पंचमी है और ये 25 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम पीढ़ी से लेकर के दूसरे के बीच में ये हमेशा चलता रहता है और इस कार्यक्रम में बड़े बड़े दूर से संत महात्मा लोग आते हैं। अभी यहाँ पर बहुत बड़ा एक संत सम्मेलन था जिसमें पर्यावरणविद महामानव की उपाधि प्राप्त श्री श्याम साधु जी और नागा पंथ के लोग, औघड़ पंथ के लोग, वैष्णव पंथ के लोग, कबीर पंथ के लोग, सूफी पंथ के लोग, यानी सभी संप्रदायों के संतों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में हुआ था और उसमें हमारे जो साधु समाज है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि हम मानव सेवा के साथ साथ पशु पक्षी और सभी रचनात्मक कार्यों के लिए संकल्प लेते हैं और उसमें ये एक और संकल्प लिया गया है कि कम से कम एक आदमी एक वृक्ष पेड़ जरूर लगाए। भाई देखिए वन और हवन, यानी हर घर में हवन और एक आदमी एक पेड़ अगर लगा डाले तो जो पर्यावरण की समस्या है ये बहुत जल्दी ही इसका निराकरण हो सकता है। इसलिए हम ज़्यादा कुछ न कह के यही कहना चाहेंगे कि अभी हमारे संत समाज का अभी भंडारा हुआ था, वहाँ पर अभी संतों लोगों को कुछ कंबल वितरण करना था जिसमें हमारे शशि भाई जी जो कि हमारे भावी कर्णधार हैं इस ग्राम सभा के, आज इन्होंने जितना कार्य किया, रचनात्मक कार्य जितना इन्होंने किया, मैं कहता हूँ लॉकडाउन के समय में मैंने देखा कि जिस तल्लीनता के साथ इन्होंने बेबाग बांटा है, गरीबों को जा जा करके घरों घरों में बांटा। सत्यम भाई एक तरीके से इनके बड़े खास समझिए हैं, अब यही कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के दोनों लोग पूरक हैं, जो कार्य करेंगे इन लोगों का जरूर उसमें सम्मिशन होगा और ये होना भी चाहिए हमारे ख्याल से। और उसमें ये देख लीजिए आप, ये जो आपको इसको नए चेहरे को दिखाना नहीं है, पूरा सोशल मीडिया पे पूरा एक दिन बढ़ जाने का, ये ऐसे होनहार लोग हैं, ये ऐसे होनहार लोग हैं जिनके ऊपर आज समाज का पूरा भार टिका हुआ है। हमारे देखे बीच में घर में बाबा जी वही खड़े हुए हैं जो कि बहादुर ब्लॉक के भारतीय जनता पार्टी के, अरे भाई मंडल अध्यक्ष हैं भाई, आज इन पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी पार्टी